ड्रग्स केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें अब ये जानकारी मिल रही है कि आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स केस से बड़ी खबर जुड़ी हुई, मेडिकल के लिए 8 लोगों को लेकर निकली एनसीबी की टीम। शाहरुख खान का बेटा यानी कि आर्यन खान, जिन्हें गिरफ्तार किया गया ड्रग्स मामले में, ये छापेमारी और उसके बाद 8 लोगों को एनसीबी की टीम ने हिरासत में लिया था। उसके बाद इन सभी का मेडिकल कराने के लिए लेकर निकली एनसीबी की टीम। लेकिन बड़ी खबर, आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिसको गिरफ्तार किया गया, मेडिकल के लिए 8 लोगों को जिनको हिरासत में लिया था, इस पूरे मामले में एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है, सभी को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। अब गाड़ियां आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, इन बढ़ती गाड़ियों के बीच यहां पर लेकर आगे जाने का सिलसिला, इसके आगे पहले मेडिकल और मेडिकल के बाद कोर्ट की तरफ ले जाने की बात बताई गई है। और ये यहाँ से गाड़ियां निकलती हुई, अब देखने वाली बात है कि इस गाड़ी में क्या मौजूद है जो बेटे हैं शाहरुख खान के। और देखिए ये गाड़ी निकलती हुई जिसमें बैठे हो, देखिए ये रेड हुडी जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, इसमें लेकर एनसीबी के अधिकारी आगे बढ़ते हुए हमारे ठीक बगल में ये गाड़ी, और इस गाड़ी से कोशिश ये है देखकर जानने की कि क्या इसी गाड़ी में लेकर निकले। तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको लेकर एनसीबी की टीम निकली है, और अब पहले मेडिकल के लिए जैसे कि अंदेशा है निकलेगी, और फिर बाद में जो कोर्ट का सिलसिला वो होगा। तो अभी हम बिलाट स्टेट इलाके से निकलते हुए आगे अभी रास्ता जैसे कि संभावना जताई जा रही है मेडिकल के लिए अस्पताल को लेकर निकलेंगे। पुलिस की गाड़ी आगे आगे, और लंबा ही अब एनसीबी के अधिकारियों का काफिला, आगे और पीछे पुलिस की सिक्योरिटी, उसके बीच एनसीबी के अधिकारी आपको लेकर जाते हुए अस्पताल की तरफ दिखेंगे। और नहीं थे कल देर रात एनसीबी के कार्यालय में लेकर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे थे आर्यन खान और उसके अलावा 8 लोग जो थे उनको, और अब देर दिन का जो लग 3 बजे के बाद का समय है उस बीच लेकर यहां से निकलते हुए तमाम जो लोग थे उनको एनसीबी के अधिकारी साथ में मौजूद हैं। कुछ समीर वानखेड़े भी बाहर आए थे, और समीर वानखेड़े के बाहर निकलने के बाद दूसरे एनसीबी के अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस आसपास यहां बहुत जोरदार बंदोबस्त के साथ लेके निकली है बाहर। आप पीछे भी गाड़ियां देखेंगे, आगे भी गाड़ियां देखेंगे, हर तरफ यहां पर गाड़ी है, कोशिश सुरक्षा देने की है। आप देखेंगे मीडिया कर्मी भी साथ साथ जानने की कोशिश करने की क्या पूरा ये घटनाक्रम है, पुलिस कर्मियों का पूरा सुरक्षा, और इस सुरक्षा इंतजामों के बीच तकरीबन 4 पुलिस। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनसीबी ऑफिस से लेकर निकली 8 लोगों को मेडिकल के लिए ले जाया गया, और जहां पर मेडिकल के लिए ले जाया गया मेरे सहयोगी अजय दुबे वहीं पर मौजूद है, उन्हीं का रुख कर ले। जो काफिला है वो पहुंचा, 2 पुलिस की गाड़ी एनसीबी की गाड़ी इसके बीच में, और लेकर पहुंची यहां पर जिन 3 लोगों को मेडिकल के लिए लेकर आना था। और देखिए ये ठीक वो दरवाजा कैजुअलिटी लिखा हुआ है जहां पर उतारा गया, जो आरोपी थे उनको यहां पर उतारा और वो आरोपी मेडिकल के लिए अंदर चले गए। तो अब ये प्रक्रिया मेडिकल तक पहुंच गई है। महत्वपूर्ण क्या है यहां पर, मेडिकल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो धाराएं लगेंगी कार्रवाई के दौरान उनमें मेडिकल जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस मेडिकल जांच की पूरी प्रक्रिया के लिए यहां पर जो जांच है फिजिकल उसकी बहुत जरूरत है, उसके अलावा कोविड की जांच और दूसरी और भी जांचें हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया मेडिकल के दौरान होगी। तो लगभग कुछ देर के समय आप देखेंगे यहाँ पुलिस कर्मियों का जमावड़ा, किस तरीके से पुलिस कर्मी सक्रिय हैं, आसपास के ट्रैफिक को क्लियर करा रहे, बड़े अधिकारी अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस कर्मी भी सक्रिय हैं, सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया। इन सबके बीच में 3 लोगों को लेकर एनसीबी की टीम पहुंची है जेजे अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड का जो वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, जहां पर उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आगे जो लीगल प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात, जो जांचें इस मेडिकल प्रोसेस में की जाएंगी, इसमें खून की जांच, तमाम उस तरीके की जांचें जिससे स्पष्ट हो सके कि क्या कंजम्पशन भी था, क्योंकि जो धाराएं एनसीबी की टीम लगाएगी उसमें उस जो उनकी स्थिति होगी उसका भी बेहद महत्व रहने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कोविड की जांच को ध्यान में रखते हुए पूरा मेडिकल का प्रोसेस अब से कुछ देर में जेजे अस्पताल में शुरू होने वाला है। तो अजय लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। अजय आपने बताया कि क्योंकि 8 लोगों को लेकर निकली थी, आपने जानकारी दी कि 3 लोगों को अंदर लेकर गई एनसीबी की टीम मेडिकल के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गाड़ी पहुंची थी उस गाड़ी में संभवतः 3 लोगों को बैठा लगा था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बेहद पुलिस की सुरक्षा के बीच में लेकर पहुंचे, तो यहाँ पर हम पहुंचे तो 1 गाड़ी थी जिस गाड़ी में लेकर लोगों को अंदर की तरफ गई जो टीम थी यहाँ पर, वो टीम अंदर की तरफ पुलिस की और एनसीबी की लेकर गई। तो यहाँ पर अंदर उन 3 लोगों को लेकर अभी मेडिकल की प्रक्रिया के लिए पहुंची है टीम, और इन 3 लोगों को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना है क्योंकि अभी इस पूरे मामले में जो शुरुआती तफ्तीश एनसीबी ने की है उसमें इनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला अभी आगे बढ़ रहा है, और इसी में उनको लेकर आगे बढ़े हैं। अपना जो लीगल प्रोसेस है, जो कागजी कार्रवाई है, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकल का, वो कराने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए ये जेजे अस्पताल है जहां पर वो सिलसिला मेडिकल का शुरू हो रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ सूरज ओझा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, क्योंकि आर्यन से एक लंबी पूछताछ एनसीबी के अधिकारी कर रहे थे, अब खबर आ रही है कि गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, रात को करीब 1 बजे के आसपास
एनसीपी के अधिकारी आर्यन को लेकर इसी दफ्तर में पहुंचे थे और जहां पर करीब 14 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कई सारी बातें सामने आई, जिसमें से एक ये भी बात थी कि उन्हें जिससे ड्रग दिया था वो शायद मुंबई के नवी मुंबई के बेलापुर में रहता था। उसके अलावा मुंबई के कई इलाकों के रहने वाले ड्रग्स पेडलर्स की भी जानकारी मिली थी, जिन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम फॉर्म की गई और अचानक से ये सारी टीमों को डिप्लॉय किया गया। साथ ही जो सूत्र बताते हैं कि आर्यन खान ने उन्हें गवाही दी है कि ये जो ड्रग्स उसके पास से मिला है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेकर गया था। हालांकि अभी तक एनसीबी ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एनसीबी के अधिकारियों ने बताया। तीनों को मेडिकल के लिए जेजे लेकर जाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े हैं। रौनक जी, क्या कुछ हुआ, आर्यन को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए सूरज, निश्चित तौर पर 16 घंटे से लंबी पूछताछ के बाद आर्यन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पहले जो सामने जानकारी निकल कर आ रही थी कि इस पूरे मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे लंबी पूछताछ की गई, हर तरह की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश जो है एनसीबी ने यहाँ पर की, क्योंकि जिस तरह की रेड उस क्रूज पर रेप पार्टी के यहाँ पर मारी गई, करीबन 7 घंटे वो रेड चली और उसके बाद जब उनको यहाँ पर लाया गया, क्योंकि जिस तरह से ये ड्रग्स लेकर गए थे वो अलग अलग, कोई पर्स में लेकर गया था, कोई अपने शूज में लेकर गया था, कुछ ऐसी जगह से ड्रग्स जो है वो अंदर छुपाते हुए लेकर गए थे, कंजम्पशन के लिए आई थी, क्या कुछ था, सभी कड़ियाँ जो है जोड़ी और उसके बाद अब उनको अरेस्ट दिखाया, कुछ देर बाद उन्हें किला कोर्ट में मेडिकल के बाद पेश किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से रौनक बता रहे थे कि ये जो तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब एनसीबी है वो इनके रोल स्पेसिफाई करेगी, किसका क्या रोल था, किसके पास से कितना ड्रग्स मिला, इन सारी चीज़ों को एक रिमांड कॉपी में लिखा जाएगा और ये कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा, जहां पर एनसीबी के अधिकारी मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करेंगे कि आखिर इन तीनों की कस्टडी अगर उन्हें चाहिए तो क्यों चाहिए। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बता दूं कि आखिर ये पूरा मामला सामने कैसा आया। रौनक, ये पूरा मामला सामने कैसा आया, मतलब ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कुणाल जानी के बयान के बाद, ये कुणाल जानी कौन है, ये कड़ी कहाँ से है? जी देखिए, जो हमें सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक कुणाल जानी, जिसे हफ्ते भर पहले ही एनसीबी ने अरेस्ट किया था, उससे जब पूछताछ हो रही थी उसमें कुणाल जानी ने एनसीबी को इस मामले में जो है वो टिप दी और जानकारी दी कि आने वाले कुछ दिनों में एक क्रूज में इस तरह की एक पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल भी जो है, खासतौर से जो NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित ड्रग है वो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले, और उस टिप के बाद इन्होंने एक प्लान बनाया और एनसीबी के अधिकारी करीबन 22 लोगों की टीम बतौर ग्राहक वहां पर पहुंचे। उन्होंने पहले पार्टी शुरू होनी दी काफ़ी दूर तक, जब 100 नॉटिकल माइल तक ये क्रूज आगे जाता है, उसके बाद ये रेड हैंडेड जिसे कहा जाता है, रेड हैंडेड इन लोगों को पकड़ा है, तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर एनसीबी की कहा जा सकता है। जी जी बिल्कुल, हम सुबह से चला रहे थे कि एनसीबी के अधिकारी कैसे कस्टमर बनकर एक गेस्ट बनकर क्रूज पर गए, जिस पर मोहर लगाई थी एनसीबी चीफ ने, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस ऑपरेशन को किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा सिलसिला कैसे शुरू हुआ। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बाद से एनसीबी बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गई थी, और जो कुणाल जानी है वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही खास दोस्त था। अब उसके थ्रू ये पूरी जानकारी मिली कि कैसे ये नेक्सस ऑपरेट करता था। अब एनसीबी ये पता लगाएगी कि आखिर ये जो नेक्सस है, ये जो पार्ट का नेक्सस है जो बड़ी बड़ी क्रूज में पार्टी करता है, समुंदर में पार्टी करने का क्या मतलब होता है, इससे हम बात करेंगे। आखिर समुंदर में जो पार्टी की जाती है क्यों वो प्लेस ज़्यादा सेफ फील होता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर सूरज, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से जब से एनसीबी हरकत में आई और लगातार मुंबई और आसपास के इलाकों में जो ड्रग पेडलर है, जो ड्रग के काला कारोबार करते हैं, उन पर शिकंजा जो है वो कसती हुई दिख रही है, इसलिए जो इसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें एक सेफ जगह पर जाकर इस पार्टी को अंजाम देना था, और उसकी प्लानिंग मुझे जो लग रहा है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हिसाब से, कि काफ़ी लंबे समय से इसका प्लान किया जा रहा था, और अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने नियम जो है वो थोड़े से लॉकडाउन के बाद कोरोना की यहाँ पर जो जिसको कहते हैं कि आंकड़े कम होने लगे, उसके बाद थोड़े से नियम शिथिल किए, उसके तुरंत बाद यहाँ पर इस तरह की पार्टी का आयोजन किया जाता है, और वहाँ पर इतना बड़ा जो है एक पार्टी होती, जैसे टिप मिली उसके बाद तुरंत इस तरह की कार्रवाई जो की गई। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि जहाँ तक पुलिस ना पहुँच सके, जहाँ पर पुलिस ना पहुँच सके तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना था कि समुंदर के बीच में 100 नॉटिकल माइल दूर जाके आराम से इस पार्टी को अंजाम दिया जा सकता था, कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि ये जो पार्टी थी बहुत ही महंगी पार्टी थी, इसमें एक पर हेड के लिए 80,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का की रकम रखी गई थी, और हाई प्रोफाइल लोग, मतलब इतने बड़े बिजनेस लोग यहाँ पर थे। जी यही बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि मतलब देश की आर्थिक राजधानी
मुंबई और वहां पर इस तरह की ड्रग्स पार्टी, हालांकि वहां के लिए ये आम बात हो जाती है लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा। देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें उस गाड़ी के अंदर की तस्वीरें जिसमें आर्यन खान साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्योंकि गिरफ्तार कर चुकी है एनसीबी, एक लंबे समय तक पूछताछ हुई, कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पहले अब उनका मेडिकल भी होना है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा किला कोर्ट में, और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी ड्रग्स पार्टी जो कि समंदर के बीच में थ्रो की जा रही थी उस पर एक बड़ा शिकंजा कसा गया। एनसीबी जो बताया ये जा रहा है कि लगभग हफ्ते भर पहले कुणाल जानी की जो गिरफ्तारी हुई थी वहीं से लीड मिली इस पार्टी को लेकर एनसीबी के अधिकारियों को, और फिर एनसीबी ने अपना काम करना शुरू किया क्योंकि खुद एनसीबी के अधिकारी इस पार्टी में वहां पर मौजूद थे, शामिल थे। और जैसे ही समंदर के बीचों बीच इस पार्टी की शुरुआत हुई तो एनसीबी ने यहां पर अपनी रेड शुरू की। आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जो आपको साफ आप समझ सकते हैं आर्यन खान ब्लैक टी शर्ट में आर्यन खान को आप दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं। और अब आर्यन खान जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि इससे पहले कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कहा यह जा रहा था कि आर्यन खान ने यह कहा था कि उन्हें वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन सूरज मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि उन्होंने जो गवाही दी उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें जेजे हॉस्पिटल की भी सामने इस वक्त हैं। मेरे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, रवि जैन हमारे साथ, जो कि शाहरुख खान के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि अब तक तो देखिए पूछताछ हो रही थी लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है, सूरज बता रहे थे कि जो पूछताछ में बातें सामने आई, जो गवाही आर्यन ने दी उसी के आधार पर गिरफ्तारी। जी बिल्कुल सूरज, ओझा और रौनक कुकड़े जो हमारे सहयोगी हैं लगातार एनसीपी के ऑफिस के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें जो सूत्रों ने जानकारी दी, 8 में से 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए उसमें से एक आर्यन खान है। ये बहुत बड़ा झटका है शाहरुख खान के लिए, एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा ये शाहरुख खान के लिए, क्योंकि अब तक ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि आर्यन खान किसी के बुलावे की वजह से उस पार्टी में शामिल हुए हों और उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन ना किया गया हो और ना ही उन्होंने ड्रग्स कैरी किया हो। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से यह साफ हो रहा है कि एनसीबी को लगता है कि वो ड्रग्स जो उनके पास पाई गई है वो कंजम्पशन के लिए थी और अब मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया गया है जेजे अस्पताल। हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये लगातार जो समीर वानखड़े हैं एनसीबी के, जो मुंबई प्रमुख हैं, जोनल हेड हैं, लगातार वो ड्रग्स का जो माफिया है उसे तोड़ने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए लगातार पिछले एक साल से लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद से जब ये ड्रग्स का मामला बॉलीवुड में इस्तेमाल का मामला आया था ड्रग्स का, तब से लगातार एनसीबी जो है बॉलीवुड जो है एनसीबी के रडार पर है और पिछले साल भी कई बॉलीवुड हस्तियों को कंजम्पशन के मामले में, इस रैकेट में शामिल होने के मामले में बुलाया गया था। लेकिन ये मामला शांत होता हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, बॉलीवुड में कुछ इसे लेकर हलचल नहीं हो रही थी। अब जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया है तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और अब एक बार फिर से बॉलीवुड जो है सकते में आ गया है पूरी तरह से, क्योंकि एनसीबी की नज़र जो है बॉलीवुड में जो ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है, जो रैकेट यहां फैला हुआ है उस पर अभी भी बनी हुई है। बहुत लोगों का ये मानना था कि जो हो चुका वो बीत गई सो बात गई, लेकिन नहीं, एनसीबी लगातार पीछा कर रही है उन लोगों का जो ड्रग्स बेचते हैं, मार्केट में फैलाते हैं और इसे कंज्यूम करते हैं। ऐसे में शाहरुख खान का के बेटे का नाम आना अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अब शाहरुख खान इस कानूनी पचड़े को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने बेटे को छुड़ा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका शाहरुख खान के लिए भी होगा, जिस तरह से इस पूरे मामले में आर्यन खान का नाम सामने आ रहा था, फिर पूछताछ में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई और अब देखिए गिरफ्तारी भी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं एक बार फिर से जेजे हॉस्पिटल का रुख कर लेती हूँ। अजय, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? और देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि लाने के बाद सिलसिला पूरे मेडिकल चेकअप के प्रोसेस का होगा। जेजे अस्पताल
का ये हिस्सा और सामने आपातकाल का दरवाजा इसी से लेकर गए। अब क्या क्या जांच होगी महत्वपूर्ण, ये देखिए जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है किसी तरीके की चोट कुछ उन सबसे जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, उसके अलावा बीपी और उसके अलावा उनके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जो ड्रग है उसके कंजम्पशन से जुड़ा हुआ असर जो शरीर पर पड़ता है वो जानने की कोशिश रहेगी। और क्योंकि कोविड का दौर है तो कोविड से जुड़ी भी जांच होगी। इससे पहले भी दो तीन दफा जब हम इस तरह की स्थिति में कवरेज के लिए आए हैं तो सामान्य तौर पर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा समय लगता है मेडिकल चेकअप के पूरे प्रोसेस को होने पर, और उसके बाद यहाँ से किला कोर्ट के लिए लेके जाते हैं। तो वो जो पूरे मेडिकल प्रक्रिया है जे अस्पताल में 8 नंबर दरवाजे के सामने कैजुअलिटी के हिस्से में होने की शुरुआत हो चुकी है, और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि यहाँ से लेकर किला कोर्ट की तरफ निकलेगी एनसीबी की टीम। अच्छा मुझे बताइएगा जी, आपने कहा सिर्फ अभी 3 लोग अंदर गए, तो क्या बाकी लोगों का आना अभी बाकी, और अब तो आर्यन की भी गिरफ्तारी हो गई तो उनको भी यहाँ पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी? देखिए प्राथमिक तौर पर दरवाजे के आगे के हिस्से से जब से मैंने एनसीबी की गाड़ी को चेस किया, गाड़ी के अंदर तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जो आर्यन है उनका भी जिक्र है, तो ये संभावना है कि आर्यन यहाँ पर अंदर ही है। तो ये जो गाड़ियां आई थी जिसके संग पूरा ये पूरा काफिला आया था, आर्यन अंदर ही है, उनके भी मेडिकल की प्रोसेस ये बात यहाँ पर इस अस्पताल से जुड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ से इन्हें कोर्ट में लेके जाया जाएगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा। तो निश्चित ही मेडिकल की जो पूरी जांच है, जैसा कि सूरज ने बताया कि जो आर्यन ने अपनी तरफ से बयान दिया है उसके बाद का ये अगला स्टेप है, और आर्यन के आधार पर ये सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि बेहद ही वीवीआईपी अभी मामला हो जाता है, उसी आधार पर जे अस्पताल उसके आसपास के पूरे हिस्से में पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। तो निश्चित ही ये पूरा मेडिकल प्रक्रिया जो है उस तरफ बढ़ती हुई, और अगला स्टेप इसका जो मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है, अब अगला स्टेप कोर्ट होगा जिसके बाद आगे इस पूरे मामले की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, मैं सूरज फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहां से शेयर कर रहे हैं लगातार। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि गवाही जो दी यहां पर आर्यन खान की तरफ से जो बताया गया, कुछ जानकारी मिली है कि क्या वो अहम बातें रही जिसके बाद गिरफ्तारी हो पाई आर्यन खान की? आर्यन खान ने कुल 2-3 चीज़ें बताई। पहला तो अपने आप को बचाने के लिए उसने बताया कि मैं इस पार्टी में खुद की मर्जी से यानी कि टिकट लेकर नहीं गया था, घूमने नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था, मुझे इनवाइट किया गया था और फिर मैं पार्टी का हिस्सा बना। लेकिन जब रेड हुई, रेड के दौरान आर्यन खान के पास से कुछ ड्रग्स बरामद हुए, उन्हें यहाँ रात को 1 बजे के करीब एनसीबी के कार्यालय लाया गया, और कार्यालय लाने के बाद जब उनसे लगातार पूछताछ शुरू हुई तो पूछताछ के दौरान आर्यन खान ने बताया कि ये जो ड्रग्स था उन्होंने वो खुद के कंजम्पशन के लिए वो लेकर गए थे, जिसके बाद एनसीबी को भरोसा हो गया कि अब ये एनडीपीएस एक्ट में ये इनका रोल फिक्स होता है, अब इन्हें हम गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद आर्यन खान का पूरा बयान दर्ज किया गया, विस्तार रूप से बयान दर्ज किया गया कि इन्होंने ये ड्रग्स कहाँ से लिया, किससे लिया, और ये सारी जानकारी मिलने के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने 5 लोगों की टीम फॉर्म की। वो टीम फॉर्म करने के बाद मुंबई, नवी मुंबई के कई इलाकों में जाकर रेड कंडक्ट की गई और एक शख्स को डिटेन भी किया गया है। पुलिस अब उस शख्स से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो ड्रग्स कहाँ से लाता था, और अगर वही इस पार्टी में जो लोग शामिल थे जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके पास जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों के नाम सामने आ गए हैं, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए ड्रग्स केस में ये अहम गिरफ्तारियां हैं। सबसे पहला नाम जो सुबह से ही चर्चा का विषय था वो है आर्यन खान। आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ ही अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में चूंकि लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है, तो मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, 3 की गिरफ्तारी जिनके नाम अब सामने आए हैं वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ड्रग्स केस में ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निगाहें जो टिकी हुई थी वो आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, और इस पर इस मामले में अब गिरफ्तारी। लेकिन आगे क्या और भी कुछ नाम जब सामने आएंगे उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। जैसा मैंने जिक्र किया था कि समय लगता है मेडिकल प्रोसेस में, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला। 15 मिनट से भी कम समय में यहाँ से टीम जो है एनसीबी की पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच लेकर निकल गई है जे अस्पताल से आर्यन और उनके संग जो दूसरे लोग थे उनको, और अभी हम ये देख रहे हैं जे फ्लाईओवर का जो हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ती हुई गाड़ी, और फिर जे फ्लाईओवर बदल के सीधे सीएसटी की तरफ, जहां पर हम देखेंगे किला कोर्ट की संभावना है कि आज ही लेकर पेश करने के लिए एनसीबी की टीम निकलेगी। तो यहां पर जो स्टेप देखने को मिल
नया यहाँ पर मेडिकल जांच के लिए पहुंची और उसके बाद मेडिकल जांच कराकर निकली है टीम। और आगे की तरफ आप देखेंगे जाती हुई टीम को, और ये फ्लाईओवर के बेहद नजदीक पहुंचे हैं जिसके सिरे पर चढ़ने के बाद जो एनसीबी की टीम है। अच्छा ठीक है अजय, आप रहिए। बड़ी खबर जो कि आप ही जानकारी से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि आप कोर्ट के लिए, आरोपियों को लेकर कोर्ट के लिए निकली है एनसीबी की टीम। आरोपियों को लेकर कोर्ट की तरफ निकल चुकी है एनसीबी की टीम। मेडिकल हो चुका है, जेजे हॉस्पिटल में इनका मेडिकल हुआ। उस मेडिकल प्रोसीजर के बाद अब आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में चुकी पेश करना है, तो कोर्ट में पेश करने के लिए सीधा हॉस्पिटल से कोर्ट की तरफ किला कोर्ट में पेशी होगी। बताया जा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, आरोपियों को अब कोर्ट के लिए लेकर निकली है एनसीबी की टीम। इससे पहले इनका मेडिकल हुआ है पूरा, और जैसा बता रहे थे अजय कि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि इतनी जल्दी इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया हो। 15 से 20 मिनट के अंदर सारा मेडिकल हुआ और उसके बाद अब फौरन कोर्ट की तरफ। ABP News आपको रखे आगे।